नमस्कार जी, आज हम हैं गांव अकबरपुर में और हमारे साथ हैं चुन्नी लाल जी। इन्होंने आलू में प्रोडक्ट डलवाया था अर्थवेल के नाम से। दोनों डाले थे जी आपने, ग्रैनुलर वो दो पैकेट डाले थे। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में आपने ग्रैनुलर डाल लिया। वो डीएपी कितना डाले आपने इसमें? इसमें डीएपी तो कम कर दिया, मैं कहूँगा भैया चार फटे कट्टे गिर देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करीब तीन कट्टे गिरेगा। इन्होंने पांच कट्टे डीएपी की जगह तीन कट्टे गिरे हैं और एक हमारा ग्रैनुलर का पैकेट इन्होंने अपने आलू में डाला जी। उसके बाद अभी इनका जो आलू है, ये 55 दिन का आलू है जी आपका। अभी इन्होंने हमें आलू निकाल के दिखाया, मैं आपको दिखा देता हूँ आलू निकाल के। जो आलू का साइज है, आलू का साइज ये है जी, तो आलू का बहुत बढ़िया साइज है। और इसमें क्या होता है, जब हम अपना प्रोडक्ट डलवाते हैं तो इसमें ओवर साइज आलू और जो गोड़ी होती है वो कम हो जाती है, मीडियम साइज का आलू चलता है। अभी ये कह रहे हैं कि हमने पाँच दिन बाद ही आलू पाड़ देना है। पाँच दिन में अभी थोड़ा सा और ग्रोथ होगी इसकी। और एक बार चुन्नी लाल जी से जानते हैं कि इनको कैसा लगा ये प्रोडक्ट जो डलवाया इन्होंने। देखो जी, अभी तो ठीक है, तो अभी पड़ लगेगा, पता कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। अभी तक आप सेटिस्फाई हो जिस हिसाब से? यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ इनका कहने मतलब है कि अब तक की जो ग्रोथ है आलू की और अब तक जो इनका खेत दिख रहा है, एक खेत इधर इधर भी दिखाना जी, ये खेत है, तो इनका कहने मतलब है कि अभी तक बहुत बढ़िया खेत है। बाकी पाँच दिन में ये खेत पड़ जाएगा और उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, वो लगभग 15-20 दिन में अभी उसका आलू निकलेगा। 20 दिन लगेगा जी। तो कहने मतलब है कि इनको बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लगा है। बाकी इन्होंने इसमें अभी बस पाँच दिन में निकल जाएगा। जो साथ वाला किला है उस पर हम अपना एक स्प्रे करवाएंगे ग्रोवेल, उसका जो अभी साइज है उस ग्रोवेल स्प्रे करने के बाद वो लगभग 1.5 गुना बढ़ जाएगा। ये रिजल्ट हमने पूर्णगढ़ गाँव में है इनके पास ही, तो वहाँ पर हमने देखा 10 दिन पहले स्प्रे करवाया था पटने से 10 दिन पहले, और 10 दिन में ही जो हमारे आलू का साइज हो गया था वो लगभग 1.5 गुना बढ़ गया था। और 1.5 गुना बढ़ने का मतलब है जो आपका मोटा मोटा अगर हम कहें 10 से 15 क्विंटल का फर्क आपके आउटपुट में पड़ जाता है। तो चुन्नी लाल जी से एक बार कहेंगे कि किसानों के लिए क्या संदेश है जी? किसानों के लिए बहुत संदेश है जी, देखो सभी किसान गिरे हैं इसमें खेत में। ठीक है जी, तो अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, तो जी जो खुशहाल रहेगा किसान गिरेगा। बिल्कुल जी, किसान किसान गिरेगा। हाँ, इनका कहना है कि इसको डालने से किसान खुशहाल रहेगा और किसान की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, क्योंकि डीएपी कम हो गया और ये डल गया और पोषक तत्व बढ़ेंगे आपके फसल में। तो चुन्नी लाल जी हमें ये बताएं कि गेहूं में भी डालना? गेहूं में गिरेंगे सारी सारी में गिरेंगे। गेहूं में गिरेंगे, एक किले में नहीं गिरेंगे। अच्छा, एक किले में नहीं गिरेंगे, बाकी कितने किले हैं? छह किले में गिर देंगे। छह किले में गिर देंगे। एक में इनका ये मानना है कि हम एक किले को रोक के उसका रिजल्ट कंपेयर करेंगे। हाँ, जो कि बहुत अच्छी बात है, हर किसान को करना चाहिए, अपने एक एकड़ को रखना चाहिए ताकि उसको वो कंपेरिजन पता लग सके। तो आलू भी यही गिरा? बिल्कुल, आलू में भी इन्होंने यही किया, सभी एकड़ में डाल के सिर्फ एक एकड़ रखा है और वो उस तरफ है लास्ट में गन्ने के साथ है वो किला, और उन्होंने देखने के लिए कि ये कितना उसमें और इसमें फर्क रहता है। तो बहुत अच्छा लगा चुन्नी लाल जी आपसे बात करने के बाद। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी ऐसे